हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, हमने एक यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसके अंदर है, वो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम्स। और हमने जो है वो अपने पीछे वाले जो वीडियोस में जो हमने बनाए थे उसमें हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो थी बच्चों, उसके बाद जो थे वो आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसको वैलिडिटी मिली। ठीक है, इससे ये प्रूव हो गया था इस एक्सपेरिमेंट के बाद की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने दी थी वो वैलिड है और इस वैलिड है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बेसिकली माइकलसन मोरले ने 1887 में दी थी बच्चों। और इस एक्सपेरिमेंट पे माइकलसन मोरले को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो पहले हम इसका कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। इसका ऑब्जेक्टिव है टू कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेशनरी ईथर और यू कैन से द फ्रेम। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इसने ट्राई किया था कि कोई एक यूनिवर्सल फ्रेम या जिसे एब्सोल्यूट फ्रेम एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, जिसके विद रेस्पेक्ट टू हम अर्थ की वेलोसिटी या और जितने भी फिनोमिनन हैं उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव फिर से क्या है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट टू कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेशनरी ईथर फ्रेम। अब आइंस्टीन ने कहा कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, मतलब कि जो भी इवेंट अकर हो रहा है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होगा, दैट इज मीनिंग रिलेटिव होगा, कि नथिंग विल बी एब्सोल्यूट। तो माइकलसन मोरले ने ये कहा कि नहीं, कोई एक ऐसी फ्रेम एग्जिस्ट करती है, ऐसा मीडियम जिसे कि हम ईथर बोल सकते हैं, वो एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, जिसे हम एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। तो स्टेशनरी ईथर है क्या? ईथर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि पूरे यूनिवर्स में है, वो कि फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और वो बिल्कुल क्या बहुत सारे यूनिवर्स में रिजिड है, सारे यूनिवर्स में है जो है वो कवर है, फील्ड है। ठीक है, और जिसके विद रेस्पेक्ट टू जो थी वो अर्थ की वेलोसिटी की मेजर करने की कोशिश की। तो अर्थ तो क्या, ईथर एक मीडियम है जो कि यूनिवर्स में फील्ड है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो एक ट्रांसपेरेंट है, फ्रिक्शनलेस है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और सारे तो माइकलसन मोरले ने क्या किया, उसने क्या किया, मेजरिंग द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ईथर, और ईथर के विद रेस्पेक्ट टू उसने अर्थ की वेलोसिटी को मेजर करने की कोशिश की और एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। ठीक है, वो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक प्लेट थी, सेमी ट्रांसपेरेंट प्लेट जो कि 45 डिग्री इंक्लाइंड है, और एक मिरर M1 है और एक मिरर M2 है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां से ये सोर्स है, सोर्स से लाइट गई, तो ये अपरेटस सेट किया था अपनी लैब में। ठीक है, तो लैब का है अर्थ है, तो यदि अर्थ मूव करेगा तो ये एक्सपेरिमेंट जो सेटअप है वो भी मूव करेगा, ये अंडर। ठीक है, अब ये सोर्स है, अब सोर्स ये जो लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है इस प्लेट में, तो क्या होगा, इस मिरर M1 से ये रिफ्लेक्ट, ये यदि हम माने कि अर्थ, सपोज करो थोड़ी सी टाइम के लिए हम मान ले कि वो रेस्ट पे है, तो क्या होगा बच्चों, यहां से सोर्स से ये लाइट इस प्लेट पे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट बैक हुई M1 में और थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, तो यहां पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फ्रिंज इस टेलीस्कोप में डिटेक्ट हुई। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब क्या करें, अब अर्थ किस है जो है वो वेलोसिटी वी से मूव कर रही है, अंडरस्टैंड, तो वेलोसिटी वी से मूव कर रही है बच्चों, तो मतलब कि अपरेटस भी क्या है, वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है, अंडरस्टैंड, क्योंकि अर्थ मूव करेगी तो ये अपरेटस भी मूव करेगा। जितना टाइम ये
एम्बन से वापस आएगा रिफ्लेक्ट होके, उतने टाइम पे जो मिरर है वो उसकी पोजीशन जो है वो एम्बन डैश यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, एम्बन एंड दिस इज द न्यू पोजीशन इज एम्बन डैश, समझ गए। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जितने टाइम पे वो वापस आएगी उतने टाइम पे ये मिरर जो है वो यहाँ पे हिट करेगा, और ये प्लेट जो है जब ये वापस M1 डैश से रिफ्लेक्ट होगा तो प्लेट की पोजीशन P से P डैश हो जाएगी, ठीक है, और ये मिरर M2 डैश में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्टेड लाइट यहाँ से ये आपस में इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो क्या करेंगी, जनरेट करेगी, और इस इंटरफेरेंस पैटर्न में माइकलसन मोरले ने कहा ये T1 जो ब्लैक में है और ये T1 डैश जो ये रेड वाला टेलीस्कोप T1 डैश है, दोनों में माइकलसन मोरले ने ये थ्योरेटिकली प्रूव किया कि ये देयर विल बी द शिफ्ट इन द फ्रिंज, और इस फ्रिंज शिफ्ट को कैलकुलेट किया थ्योरेटिकली माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में। अब क्योंकि किसके थ्रू, अब ये अपरेटस मूव कर रहा है M2 की जो जो अर्थ की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द M2 है, हमने ये मान लिया, ठीक है, तो माइकलसन मोरले ने ये मान लिया। तो अभी इस M1 और M2 मिरर, मतलब आप मानो M1 डैश या M2 डैश मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके T1 डैश में आई उनके बीच में का जो टाइम डिफरेंस है, वो टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद माइकलसन मोरले ने कहा कि देयर विल बी अ फ्रिंज शिफ्ट, पर एक्सपेरिमेंटली ये फ्रिंज शिफ्ट जो थी वो नहीं मिली, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अर्थ तो हमने अब यहाँ से, अब सपोज करो, अब हमारा मेन पर्पस क्या है, T1 जो कि इस M1 से आएगा और T2 जो सेकेंड वाले मिरर उनके बीच में टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दोनों के जो टाइम अलग अलग है बच्चे, ठीक है, क्योंकि अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो M2 से वापस आने का टाइम अलग होगा, M1 से जो वापस आने का टाइम है रे का वो अलग होगा। तो हम यहाँ से क्या क्या है, P1ML जो या P से M1 का डिस्टेंस भी ML है, कांस्टेंट रखा ये माइकलसन मोरले ने, और ये P और M2 के बीच का डिस्टेंस भी L है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा काम है कि अब हम बात करें मिरर T1, तो पहले फ्रॉम मिरर M1, अब हम M1 की बात करते हैं फर्स्ट वाले मिरर से, तो फर्स्ट वाले मिरर से टोटल ये किसी पर्टिकुलर टाइम टी डैश पे ये जो रे है ये वेलोसिटी सी, तो ये कितना सी टी डैश, ये टोटल कितना हो गया सी टी डैश, टोटल जो लेंथ हो गई PM1 डैश की वो कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज सी मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर टाइम टी डैश पे, इतने टाइम पे M1 और M के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बी टी डैश, अंडरस्टूड। वेलोसिटी पे सिंपल सी बात है कि रे M1 पे स्ट्राइक हुई जब वो वापिस आने लगी उतने टाइम पे अर्थ मूव कर रहा है, तो पी जो है तो ये M1 ये जो मिरर M1 है वो M डैश में चला गया और टोटल जो इसने डिस्टेंस कवर कर दिया वो बी टी डैश है, ठीक है। अब फिर देन ये बैक आया तो प्लेट पहले अब यहाँ आएगी फिर यहाँ पे आएगी फिर देन इट कम बैक टू हियर, अंडरस्टैंड, फिर यहाँ से टेलीस्कोप जो है वो मूव करके T1 डैश पोजिशन पे चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से M2, तो पहले हम बात करते हैं मिरर M1 से, तो P1 डैश हो गया C मल्टीप्लाई बाई T डैश, और यहाँ से PM1 कितना है हमें पता है डैट इज अ लेंथ है, और M1 और M1 डैश का जो डिस्टेंस है डैट इज BT डैश, तो यहाँ से हम इसको इस ट्राइंगल से ये C परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब टोटल अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कौन कौन से डिस्टेंस पे, PM1 डैश और M1, ये ट्राइंगल हमने ले ली दैट इज ट्राइंगल 1, इसको हमने ट्राइंगल 1 बोल दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब पाइथागोरस दैट इज द PM1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, PM1
का स्क्वायर प्लस एम वन एम वन डैश का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस केस में अब देखिए पी वन डैश कितना हो गया, सी टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन एल स्क्वायर और एम वन डैश बी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। अब ये टी डैश को एक तरफ लेके आ जाओ तो टी डैश जो हो गया वो कितना हो गया बच्चों, टी डैश जो हो गया वो बेसिकली है हमारे पास डैट इज, इसको हम टी डैश बच्चों इसको एक तरफ लेके आओ, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर और ये एल स्क्वायर आ गया। तो यहां से टी डैश का स्क्वायर आ गया एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया और टी डैश का स्क्वायर हो गया हमारे पास डैट इज बेसिकली एल अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, टी डैश तो टी डैश हमारे पास ये आ गया, अब ये टी डैश आ गया, अब ये भी ट्राइंगल वन है, सेम ट्राइंगल है वन। ठीक है, अब यहां तक अब ये वापिस आएगा तो टोटल जो टाइम होगा, टोटल टाइम टू रीच एट पोजिशन पी डैश, टोटल टाइम कितना लगेगा पी डैश पे रे को पहुंचने के लिए, ये ट्राइंगल टू तो वन और टू को मिला दे तो टोटल जो टाइम है डैट इज टी वन इज टू टी डैश, टू टी डैश। ठीक है, यहां से पी से एम वन डैश और एम डैश एम वन डैश से पी डैश के बीच में टाइम जो है वो लगेगा डैट इज टू टी डैश और इसे हम टू एल बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। इसको हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब हमारा एम है टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड मिरर। अब नाउ इन द मिरर एम टू, मिरर एम टू में क्या होगा, पहले ऐसे गई रे फिर ये वापस आई, जितने देर में मैं वापस होने लगी उतनी देर में ये एम टू जाके एम टू डैश में हो गया क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। तो टोटल एम टू डैश से पी डैश में, तो पहले जब गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी से एम वन एम टू डैश जाने के लिए लग गया सी माइनस बी क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रही है और वेलोसिटी भी है तो सी माइनस बी, फिर एम टू डैश से अगेन डैट इज पी डैश आने में सुल गया सी प्लस बी क्योंकि वापिस आने पे अर्थ के अपोजिट आएगी तो सी प्लस बी आ जाएगी। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टी टू इज इक्वल टू L अपॉन सी माइनस बी प्लस एल अपॉन सी प्लस बी। तो यहां से हमारे पास सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ये हो गया 2L, तो 2L ये C को हम ले लें बाहर तो ये 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास, तो टोटल टी टू आ गया 2L बाई सी वन अपॉन वन माइनस बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, यह आ गया डैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब हम यहां से ये दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना आएगा, टोटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम टोटल कितना आएगा टाइम डिफरेंस, डैट इज टी टू माइनस टी वन। टी टू हमारे पास है टू एल बाई सी वन अपॉन वन माइनस v स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर आ गया बच्चों, देन माइनस टू एल अपॉन इसको हम बाहर कर दें तो सी स्क्वेयर, हाँ टू एल बाई सी और इसको वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर वन बाई टू कर दें, सिंप्लीफाई कर लें बच्चों इसको, सी स्क्वेयर को बाहर ले आए तो वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर आ जाएगा। तो दोनों के बीच का यहां से हम ले ले तो 2l बाई सी कॉमन आएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर और ये माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर 1 बाई टू। तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लॉरेंज, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2l बाई सी 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ये हो गया माइनस वन
और ये माइनस हो गया 1 माइनस बी स्क्वेयर और ये हो गया माइनस 1 बाई 2। तो इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर लें बच्चों, जैसे 1 माइनस एक्स हो गया तो ये हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास यदि 1 है माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इसको ठीक है, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यहाँ पे लगा देंगे तो 2l बाई सी 1 माइनस ये प्लस बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर और ये माइनस 1 प्लस बी स्क्वेयर 2c स्क्वेयर, ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड, ये कर लिया। अब इसमें जो हमारे पास टोटल टाइम आएगा दैट इज 2l बाई सी बी स्क्वेयर बाई 2l बाई सी 2l, तो ये हो जाएगा 2l, 2l नहीं है दैट इज द, तो ये 2 आ जाएगा तो 2c स्क्वेयर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो l बी स्क्वेयर बाई सी, तो ये आ जाएगा टोटल जो हमारे पास आएगा दैट इज सी क्यूब, ये सी स्क्वेयर आ गया, तो 2l वी स्क्वेयर अपॉन बाई सी स्क्वेयर जो है वो टोटल हमारा क्या आ गया बच्चों, टाइम डिफरेंस आ गया। तो दिस इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द रे कमिंग फ्रॉम मिरर M1 एंड M2 M1 डैश एंड M2 दोनों मिरर से जो टाइम डिफरेंस। अब यदि टाइम डिफरेंस आया तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, दैट इज द वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम, तो वेलोसिटी तो सी है, सी को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम, तो सी एल वी स्क्वेयर बाई सी क्यू, टोटल जो पाथ डिफरेंस है एल वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ये टोटल पाथ डिफरेंस आ गया दो रे के बीच में। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब देखिए, अब यहां से टोटल जो पाथ डिफरेंस जिसे हम डेल्टा बोलते हैं दैट इज एल बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर आ गया, इसको बिल्कुल याद रखें। अब इस पाथ डिफरेंस की वजह से माइकलसन मोरले ने कहा कि देयर विल बी द शिफ्ट इन द फ्रिंज, तो यदि लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो तो एक फ्रिंज शिफ्ट होती है, और यदि एन नंबर ऑफ फ्रिंज है, यदि एन फ्रिंज शिफ्ट हुआ तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाई कितना बच्चों, लैम्डा, एन है 1 से लैम, तो यहां से टोटल जो होगा दैट इज द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा डेल्टा अपॉन लैम्डा, डेल्टा हमारे पास कितना है सी, डेल्टा है हमारे पास एल बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर लैम्डा, तो टोटल पाथ हमें पता है कि जब एक लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है तो फ्रिंज शिफ्ट, मतलब कि 1 के ऊपर 2 ओवरलैप कर जाएगा, मतलब 1 की जगह 2 आ जाएगा, शिफ्ट इन 1, ठीक है। तो टोटल यदि एन शिफ्ट की हम बात करें तो डेल्टा एन, यदि एन को हम बात करें डेल्टा, तो ये होगा पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा, ठीक है। यदि हम यहां पे लैम्डा की बात कर लें और यदि एन आ जाए तो ये टोटल हमारे पास, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फ्रिंज शिफ्ट जो है डेल्टा एन दोनों के बीच में कहां पे, जब यहां पे हमें नोट किया था फिर देन अर्थ मूव किया तो उसके बाद ये फ्रिंज का शिफ्ट हुआ, वो कैलकुलेट कर लिया माइकलसन मोरले ने। अब क्या किया कि इसको डिटेक्ट करने के लिए माइकलसन मोरले ने क्या किया कि इसको 90 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। पहले थी फ्रिंज शिफ्ट एल बी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर लैम्डा, फिर जब रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद फिर ये 90 डिग्री पूरे ऑपरेटर्स को रोटेट किया ताकि इसको हम डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो डिटेक्ट करने के लिए फिर तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2L। तो ये माइकलसन मोरले ने क्या कर दिया, ये एक क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी बता दी, ये ज़्यादा है, इसको मेजर करना इजी है एज कंपेयर टू दिस, ये डबल है। तो क्या ऑपरेटर्स को जब उसने रोटेट किया 90 डिग्री तो जितना शिफ्ट ये 1 से 2 हुआ उतना ही यहाँ से 1 से ये 3 हो जाएगा, तो टोटल ये डबल हो जाएगा। तो ये एक
मेजरिंग को इजी, मतलब कि मेजरमेंट को इजी करने के लिए टोटल फ्रिंज शिफ्ट ये निकाल दें, ठीक है। अब ये होगी टोटल फ्रिंज शिफ्ट जो कि यहां पे इस टेलीस्कोप में मेजर की गई। अब अपरेटस उसने यूज किया तो एल इज, तो जस्ट सपोज एल कितना है 11 मीटर, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 3 × 10^4 मीटर, सी है डेट इज 3 × 10^8 मीटर, ठीक है, और इसके बाद 5.5 × 10^-7 मीटर है लैम्ब्डा। तो इस वजह से हम इस यहां पे पुट करेंगे तो टोटल जो फ्रिंज, यही 5.5 × 10^-7 मीटर जो वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एल इज द ये लेंथ है, तो टोटल फ्रिंज शिफ्ट जो 0.4 के अप्रोक्सीमेट मिली। ये थ्योरेटिकली था। अब इसको, इसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर दिया डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंट्रीज और आप बोलते कंटिनेंट, उसमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं आई, फ्रिंज शिफ्ट इज जीरो, कोई भी फ्रिंज शिफ्ट जी थी नहीं आई ये फ्रिंज शिफ्ट। इसका मतलब क्या हो कि माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट जो हो गया वो फेल हो गया। थ्योरेटिकली तो उसने फ्रिंज शिफ्ट बता दी, पर एक्सपेरिमेंटली जो था वो कई साइंटिस्टों ने कोशिश की, और माइकलसन मोरले ने तो, मैंने भी कोशिश की, तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, तो उसके बाद माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंटली जब परफॉर्म किया गया तो ये फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिली। और इसका मतलब ये है कि कोई भी मीडियम, कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी ईथर की एग्जिस्टेंस की इसको बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ द ईथर विल बी मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट, कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी जिसके विद रिस्पेक्ट हम वेलोसिटी ऑफ अर्थ को मेजर कर पाए या और दो फिनोमेनन को डिस्क्राइब कर पाए। तो ये था फेलियर। तो अब इसके रिजल्ट क्या थे, कि इसके रिजल्ट क्या थे बच्चों, इसका रिजल्ट ये था कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, हम इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेम या यूनिवर्सल फ्रेम, इज एग्जिस्टेंस ईथर इज मीनिंगलेस। ये क्या है, मीनिंगलेस है। और इसके बाद क्या है बच्चों, कि कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करती है, नो एब्सोल्यूट, और आप बोलिए यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट। तो सारे के सारे जो थे ये क्या थे, इसके रिजल्ट थे। अब इस रिजल्ट के से क्या हो गया, इसको फिर बाद में नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने से क्या हो गया कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसकी एग्जिस्टेंस जो होगी वो वैलिड होगी, मतलब कि जो आइंस्टाइन ने जो प्रपोज की थी थ्योरी वो एक, उसके लिए एक माइलस्टोन, ये जो एक्सपेरिमेंट था माइलस्टोन प्रूव हुआ, और इसीलिए जो था वो माइकलसन मोरले को नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। अब कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि इसको एक्सप्लेन कर लिया, ये दो नंबर क्वेश्चन आता भी है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट, तो नेगेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। कई सारे लोगों ने जैसे ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, ये आता है ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने कहा ईथर ड्रैग कि शायद ऐसा हो सकता कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ या अर्थ के साथ जो थे वो ईथर भी ड्रैग हो रहा था, और जिसकी वजह से जो टोटल टाइम डिफरेंस था दोनों मिरर से वापिस आने का रे वो क्या था, जीरो था, इसलिए ज्यादा वो फ्रेंडशिप जो होगी वो जीरो। पर ये भी फेलियर था, ये थ्योरेटिकली जो स्टेलर एब्रेशन जो वो फिनोमिनन है यूनिवर्स का, जिसमें हमें स्टार जो है वो अपेयर होते हैं, मूविंग अपेयर होते हैं, ठीक है, वो फेल हो जाएगा। तो ये बेल एग्जिस्ट फिनोमिनन को ये
क्या कर रहा था, वैलिडिटी वैलिड नहीं कर पा रहा था, कंट्राडिक्ट करा, इसलिए ये वाला ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस भी फेल हो गया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट दैट इज बेसिकली फील्ड्स गर्लार्ड लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस, तो इन्होंने भी कोशिश की, फिट्ज़गेराल्ड और लॉरेंज ने एक हाइपोथेसिस दोनों कोशिश की कि शायद ऐसा हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अर्थ या फिर मिरर, जो अर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो उसके जो टोटल डिस्टेंस कवर है या लेंथ है दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाई 1/b². तो इस वजह से, इस पैरामीटर की वजह से डेल्टा टी विल बी जीरो, जो कि कॉम्पनसेट हो जाएगा, जो टाइम एक्स्ट्रा लगा है मिरर एम टू में वो कॉम्पनसेट हो जाएगा मिरर एम वन से, तो इसलिए टाइम डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा और इसलिए जो था वो एक्सपेरिमेंटली फ्रेंडशिप नहीं आई। पर ये टोटली मैथमेटिकली था, तो ये भी ये जो नेगेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई ये भी फेल हो गई। तो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको बच्चों ये सब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और ये नेगेटिव रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर भी मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, तो इसको अच्छे से डेरिवेशन को आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी आप कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ चैट बॉक्स पे डाल दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।